हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिकवरी पार्टीशन को मूव करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि अगर हम अपने सी ड्राइव को एक्सटेंड करना चाहते हैं और दरमियान में अगर रिकवरी पार्टीशन आ जाती है तो हम यहां से अनएलोकेटेड पार्टीशन से हम यहां पर जो वॉल्यूम है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं एक्सटेंड वॉल्यूम हम सी ड्राइव का नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है कि यहाँ पर रिकवरी पार्टीशन दरमियान में है, इसलिए यहाँ से हम सी ड्राइव को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो जब देखते हैं कम से किस तरह से मूव कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वहां पर आपने AOMEI सर्च करना है, इसकी वेबसाइट ओपन करनी है और यहां पर आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा डाउनलोड फ्रीवेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद इसकी जो डाउनलोडिंग होगी वो आपके ब्राउज़र में स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 49 MB की फ़ाइल है जो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद अब आप इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। जैसे कि मैं इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता हूं, सिंपल सी इंस्टॉलेशन है। आपने इसे अपने कंप्यूटर में इसको फ्री वर्जन इंस्टॉल कर लेना है और यहां पर इंस्टॉल होने के बाद एंड में आपने यहां पर इंजॉय नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो होगा वो आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ड्राइव से आगे वही रिकवरी पार्टीशन है जिसे हमने मूव करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर राइट क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपको मूव पार्टीशन का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो पार्टीशन होगी वो आपने लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। इसके बाद आपने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा ऊपर जो अप्लाई के बटन है वहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ से अप्लाई बटन पर क्लिक करता हूं, इसके बाद आपने प्रोसीड करना है, यस करना है। यस करने के बाद यहां पर 5 to 8 सेकंड तक का प्रोसेस होगा, वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहां पर ओके करना है। ओके करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को यहां से क्लोज़ कर दें। मैं आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाकर चेक करवाता हूँ कि पार्टीशन मूव हुई है या नहीं। जैसे कि मैं डिस्क मैनेजमेंट को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिकवरी पार्टीशन थी वो मूव हो चुकी है बहुत आसानी से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी सी ड्राइव को एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में रिकवरी पार्टीशन नहीं रही। तो आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से रिकवरी पार्टीशन को मूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।